इस वक्त आपको बड़ी खबर दे दें, पंजाब के मुख्यमंत्री बन सकते हैं सुखजिंदर सिंह रंधावा। विधायक दल ने उनके नाम पर मुहर लगा दी है। इंतजार हो रहा है आलाकमान के आखिरी फैसले का और हो सकते हैं, बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं, सुखजिंदर सिंह रंधावा पंजाब के मुख्यमंत्री हो सकते हैं। और रेस में सबसे आगे उनका नाम चल रहा था, राज्यपाल से मिलने का वक्त भी राजभवन में मांगा गया है सुखजिंदर सिंह रंधावा की तरफ से। ये बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। पंजाब में कल से ही राजनीतिक उथल पुथल बहुत तेज है और इस बीच आपको बड़ी जानकारी दे दें, सुखजिंदर सिंह रंधावा ने राज्यपाल से मिलने का समय मांगा है। उनके घर पर हलचल बहुत तेज है, करीब 30 से ज्यादा विधायक इस वक्त सुखजिंदर सिंह रंधावा के घर पर मौजूद हैं। ये बड़ी जानकारी इस वक्त हम अपने दर्शकों को दे रहे हैं। कल ही कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इस्तीफा दिया था हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद और अब लगातार कल से आलाकमान का मंथन जारी था और अब जो बड़ी जानकारी निकल कर आ रही है कि सुखजिंदर सिंह रंधावा पंजाब के मुख्यमंत्री हो सकते हैं और नाम के ऐलान के बाद राज्यपाल से मिलने जाएंगे। उन्होंने राज्यपाल से राजभवन से मिलने का वक्त भी मांगा है और रंधावा के घर पर इस वक्त 30 से ज्यादा विधायक मौजूद हैं। ये बड़ा अपडेट पंजाब से आ रहा है, चंडीगढ़ से आ रहा है, जहां पर सुखजिंदर सिंह रंधावा नए सीएम, अगले सीएम हो सकते हैं पंजाब के और केवल औपचारिक तौर पर नाम के ऐलान का इंतजार हो रहा है। राजभवन में मिलने का वक्त भी सुखजिंदर सिंह रंधावा की तरफ से मांगा गया है। साथ ही साथ आपको बता दें कि 2 डिप्टी सीएम भी बनाए जा सकते हैं। बड़ी जानकारी पंजाब से इस वक्त, सुखजिंदर सिंह रंधावा पंजाब के नए मुख्यमंत्री हो सकते हैं और उनके साथ 2 डिप्टी सीएम भी बनाए जा सकते हैं। 6 महीने के बाद चुनाव होना है पंजाब में और उसके ठीक पहले कांग्रेस में जिस तरह की कलह मची, कैप्टन अमरिंदर सिंह को इस्तीफा देना पड़ा, अगला मुख्यमंत्री कौन होगा उसको लेकर कल से लगातार पार्टी के भीतर मंथन जारी था। उम्मीद ये थी कि जब कल शाम 5 बजे विधायक दल की बैठक हुई थी तभी नाम निकल कर आ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और आज फिर विधायक दल की बैठक हुई। सुखजिंदर सिंह रंधावा का नाम लगभग तय है, अगले मुख्यमंत्री पंजाब के हो सकते हैं, उनके साथ 2 डिप्टी सीएम भी बनाए जा सकते हैं। हलचल किस तरह से तेज है इस बात को समझिए। इस वक्त सुखजिंदर सिंह रंधावा के घर पर 30 से ज्यादा विधायक मौजूद है। राजभवन में वक्त मांगा गया है सुखजिंदर सिंह रंधावा की तरफ से। जैसे ही पार्टी आलाकमान आखिरी मुहर लगाएगी उनके नाम का ऐलान होगा, रंधावा जाकर राज्यपाल से मिलेंगे और सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। ABP News आपको रखे आगे।